बार हम दोबारा देख लें ये सब चीजें, कंफ्यूजन ना हो। इमिन ऑफ फ्लोरेसेंस में हमने क्या देखा? इमिन ऑफ फ्लोरेसेंस में हमने देखा कि हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन होता है, सेल के अंदर कोई भी प्रोटीन हो सकता है, वो हमारा स्पेसिफिक एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने रैबिट की एंटीबॉडी ली है विच इज अगेंस्ट एंटीजन ए, तो वो बाइंड की। हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज की। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों यूज की? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर डायरेक्ट सिग्नल हम अटैच करें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एंटीबॉडी जो है वो कॉमन यूज के लिए हो, जनरली इन लैब। हम इसका यूज माइक्रोस्कोप में भी कर सकें, इसका यूज वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी कर सकें, इसका यूज जहां हमें चाहिए वहां हम यूज कर सकें। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि इसका स्पेसिफिक सिर्फ फ्लोरोसेंस के लिए ही यूज हो। ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी का एक और एडवांटेज क्या है कि हम एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के ऊपर एक से ज्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक प्रोटीन से हमें चार मॉलिक्यूल ऑफ मार्कर या फ्लोरोसेंस के जो है वो सिग्नल हमें मिलते हैं, तो थोड़ा सिग्नल एम्पलीफिकेशन भी हो जाता है जिससे कि सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ओके, यहां मैंने आपको इमेजेस दिखाई, इमेज दिखाई टेम की कंपेयर की उसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से। तो मैंने क्या दिखाया, टेम में भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है, बट फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में जैसा कि हमने देखा कि स्पेसिफिकली आप एक प्रोटीन को फ्लोरोसेंस स्टेन कर रहे हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोटीन की मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ट्यूबुलिन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और दोनों को लोगों ने कंपेयर किया कि यहाँ पर ये ट्यूबुलिन जो है वो सेम दिख रहा है यहाँ पर भी और वहां पर। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको टेम में दिख रही थी वही की वही इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप मतलब इम्यूनोफ्लोरोसेंस की वजह से भी दिख रही है। ठीक है, मैंने बताया कि इसमें इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हमें थोड़ी ज्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि इम्यूनोफ्लोरोसेंस में जो है वो मैंने बताया था कि डिफ्रेक्शन वगैरह इंटरफेरेंस वगैरह उनकी वजह से थोड़ा लाइट जो है हमें थोड़ा जो इमेज है वो हमें थिकर दिखता है, वो बहुत ज्यादा थिकर नहीं है। एक्चुअल साइज उसकी 0.025 है, 10 टाइम्स ब्राइट बड़ा दिखता है वो हमें 0.2 माइक्रोन का। ठीक है, फिर हमने बताया आपको कि माइक्रोस्कोपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम 3D इमेजिंग भी कर सकते हैं। 3D इमेजिंग करने के दो तरीके होते हैं, या तो कंप्यूटेशनली करो जिसे हम इमेज डीकन्वोल्यूशन कहते हैं, या फिर ऑप्टिकल थ्रू में ऑप्टिकल वे से करो जहां पर आपके माइक्रोस्कोप का सेटअप ऐसा हो कि आप अलग अलग इमेजेस एक्वायर कर सको। ठीक है, तो इमेज डीकन्वोल्यूशन में एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में आप अलग 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 सेक्शंस की इमेज लेते हैं, बट वहां पर सभी सेक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि हर पार्ट आपका लाइट इमिट कर रहा होता है और हर पार्ट की इन्फॉर्मेशन जाती है, बट हमारे कंप्यूटर जो है या हमारे एल्गोरिथम्स जो है वो उसको डीकोड करते हैं और फिर इमेज जो है जनरेट करते हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट जो भी मिलती है वो इन्फॉर्मेशन सही होती है, अच्छी होती है। बट अगर हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे अच्छा सोर्स है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, जिसमें हम अलग अलग सेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो ऑप्टिकल मीन से लेते हैं, हर इमेज जो है वो एक्चुअल इमेज है। ठीक है, और वो कैसे मिलती है तो मैंने पूरा सेटअप आपको समझाया कि आपका जो फोकल पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से लाइट आई और किस फोकल प्लेन पर एक्चुअली वो लाइट पड़ी और किस फोकल प्लेन से फिर लाइट इमिट हुई और किस फोकल प्लेन की लाइट डिटेक्टर के पास पहुंची। ठीक है, आउट ऑफ फोकस जो लाइन है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचती क्योंकि हमारा सेटअप ही ऐसा होता है। ठीक है, सेटअप हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, हमें भी नहीं पता, बुक्स में भी नहीं दिया होता। ठीक है, एक चीज जो मैंने आपको और बताना भूल गया वो होता है डिटेक्टर के टाइप। तो डिटेक्टर बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, सीसीटी कैमराज जो आप जानते हो वो होते हैं, क्या सीएमओएस कैमराज जो होते हैं वो होते हैं। सीसीटी क्या होता है? चार्ज कपल डिवाइस कैमराज होते हैं, मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं है बट यही है, चार्ज कपल डिवाइसेस होती है ये। और सीएमओएस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये किसी टाइप के, तो ये दो डिटेक्टर होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं आजकल लैब्स में, मतलब माइक्रोस्कोप्स में। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस, बट सीसीटी और सीएमओएस ये दो टाइप के होते हैं, तो होते हैं, मतलब मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में आपको इमेज जो है वो कैसी दिख सकती है वो मैंने दिखाया, एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में सिंपली आपने जो इमेज एक्वायर की वो ऐसी दिखती है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में इमेज एक्वायर की तो वो ऐसी दिखती है। ये इमेज जो है ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो की है जहां पर एक्टिन को स्टेन किया गया था। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन जो, एक और टेक्निक जो है वो मैं बताता हूं, वो है मल्टी फोटोन इमेजिंग। किसी को पता है मल्टी फोटोन इमेजिंग क्या होती है?
बोलो बोलो, लिखा हुआ है वैसे वहां पर, इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा, मल्टीफोटॉन किसी ने नहीं पढ़ा। तो यहाँ मतलब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक एक्साइटेशन वेवलेंथ है और एक इमिशन वेवलेंथ है, ठीक है। एक्साइटेशन वेवलेंथ का काम क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूल है उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, फिर वो जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक इमिट करता है वेवलेंथ, राइट। तो हम यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एक्साइटेशन वेवलेंथ होती है जिससे कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पर लाइट डालो तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट होती है, ठीक है। सब कुछ जो है पिक्यूलियर है एक पर्टिकुलर टाइप के लिए, ठीक है। यहाँ हम मॉलिक्यूल का टाइप तो चेंज नहीं कर सकते, जो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल जो लाइट इमिट कर रहा है वो वही कर रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, जो हमारी एक्साइटेशन वेवलेंथ है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सेम एनर्जी की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं ट्रांसमिट करूं उस मॉलिक्यूल को। तो वो कैसे कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो एनर्जी एक फोटोन से पास हो रही थी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन से पास हो रही थी, जैसे अर्लियर केस में ब्लू वाले से, ब्लू का एक फोटोन पड़ता था तो हमारे मॉलिक्यूल से ग्रीन का एक फोटोन निकलता था, बट यहां मैं क्या कर रहा हूं कि वही एक फोटोन की एनर्जी मैं दो या दो से ज्यादा फोटोन से प्रोवाइड करूं मॉलिक्यूल को, क्योंकि हमारा पर्पस तो यही है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए। अब वो कैसे भी जाए, उसको एनर्जी जो है वो कैसे भी मिले, किसी एक फोटोन से मिले या फिर दो तीन चार एक्स्ट्रा फोटोन मिलके उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करें, बट हमारी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि वो जो दो तीन चार फोटोन जो एक साथ मिल रहे हैं वो उतने कम टाइम में मिले जितने कम टाइम में हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, ठीक है। और वो बहुत कम टाइम होता है, दिस इज लाइक वाइब्रेशन स्टेट्स होती है सारी, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट्स जो है, और ये बहुत कम टाइम होता है, दीज आर लाइक इन फेमटो सेकेंड्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेमटो सेकेंड्स में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ठीक है। तो यहां पर इंफ्रा रेड का यूज करके लोग मल्टी फोटोन, मतलब एक फोटोन से ज्यादा फोटोन उस फेमटो सेकेंड्स के टाइम में, मतलब फेमटो सेकेंड्स में आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट है तो लाइट की स्पीड जो है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत फास्ट है। तो उतने टाइम में आप कम एनर्जी के फोटॉन्स को, एक नहीं बट चार फोटॉन्स को कंबाइन करके सेम एनर्जी जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या हुआ कि पहले जो आप एनर्जी यूज कर रहे थे वो आपके कंप्लीट सिस्टम को जो है वो खराब कर सकती थी, शायद ब्लू लाइट जो है वो हमारे कंप्लीट सिस्टम को ज्यादा एनर्जी दे देती, बट यहां मैंने क्या किया, यहां पर इंफ्रारेड लाइट यूज की, इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड की वो कितनी होती है, इंफ्रारेड की आपको पता है, बताओ 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 बताओ, इंफ्रारेड की वेवलेंथ, हाँ ज्यादा होगी तो कितनी होती है वेवलेंथ, आठ सौ 780 नैनोमीटर, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस हाई एनर्जी, हाई वेवलेंथ की लाइट को हम दे रहे हैं जिससे कि एनर्जी जो है, और वो एनर्जी जो है वो कम है फोटॉन्स की, बट हमने क्या किया, एक फोटॉन नहीं बट चार फोटॉन दे दिए एक साथ, ठीक है। तो ये एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप मतलब यहां पर जैसा एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने दो फोटोन, टू फोटोन इफेक्ट किया, कि दो फोटोन मिलके एक साथ एक फ्लोरोक्रोम को एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, बाय टू कोइंसिडेंट इंफ्रारेड फोटॉन्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल हाई एनर्जी फोटोन। तो एक सिंगल हाई एनर्जी फोटोन की बजाय अब दो डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रारेड के फोटॉन्स जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हो जिससे कि सेम एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो उससे सेम जो फ्लोरोसेंस का काम है वो आपका हो रहा है, बस आपने ये कर दिया कि आपके सिस्टम को आप थोड़ा और सेफ कर रहे हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टी फोटोन इमेजिंग, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, इससे आप ब्लीचिंग प्रिवेंट कर रहे हो, आपका फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल रह रहा है, क्योंकि अगर हाई एनर्जी बीम आप ऑलरेडी प्रोवाइड करोगे तो आपका सैंपल भी खराब होगा, आपका मॉलिक्यूल ज्यादा ब्लीच होगा,
ठीक है, तो वो सारी चीजों के एडवांटेज जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया मल्टी फोटोन इमेजिंग क्या होती है? सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बोलो भाई लोग। बोलो यार। हाँ ना तो बोलो, पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ। हाँ ना तो बोलो। ठीक है, एक और एडवांटेज इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि एक तो ये लेस डैमेज करती है, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, एक मिनट को निकाल मैं देखता हूँ, एक तो लेस डैमेज करती है, दूसरा इससे पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे मैं बता रहा था ना कि पेनिट्रेट भी करना चाहिए आपकी वेवलेंथ जो है वो सब कुछ। तो जब पेनिट्रेशन ज्यादा हो सकता है तो आप डीपर, मतलब डीपर इन द सेंस थिकर टिश्यूज को भी आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि आपने एक लाइव माइस लिया है, लाइव माइस में आपको स्टडी करनी है, आपका जो माइस के ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो आप इंफ्रारेड को डाल के ही आपके फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल को एक्साइट कर सकते हैं इनसाइड द माइस, इनसाइड द लिविंग माइस। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बहुत एक अच्छी टेक्निक हो जाती है। यहाँ पर आपको स्लाइसेस नहीं चाहिए, ऐसी थिन स्लाइसेस नहीं चाहिए, आपने इंफ्रारेड लाइट जो है वो डीप पेनिट्रेट करा दी। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि 0.5 मिलीमीटर तक इजीली लाइट जो है वो अंदर चले जाती है, तो आप सरफेस की, ब्रेन के सरफेस की या स्किन के सरफेस की या वो सब इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसका बहुत अच्छा एडवांटेज जो है वो आजकल ऑपरेशंस में भी यूज होता है। जब आपको, मतलब जिस किसी कैंसर को निकालना है, किसी ट्यूमर को निकालना है, तो उस पेशेंट के अंदर ऐसे फ्लोरोसेंट टैग एंटीबॉडी या मॉलिक्यूल जो है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जो जाके उस कैंसर सेल पर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ड्यूरिंग ऑपरेशन हम इंफ्रारेड जो लैंप्स हैं उसको यूज करते हैं, जिससे कि वहां पर हमें फ्लोरोसेंस दिखता रहता है। ठीक है, अब वो थिकनेस जो है टिश्यू की वो कितनी भी हो सकती है, यू डोंट नो कि कैंसर जो है वो कितना डीप तक है, तो मतलब एक गाइडेंस मिल जाता है डॉक्टर को या फिजिशियन को या सर्जन को, जिससे वो पता कर सकता है कि कितने डीप टिश्यू तक हमें काटना है या कट करना है, जो भी है। ओके, सो एक बहुत अच्छी मतलब एडवांटेज है मल्टी फोटोन इमेजिंग का, क्योंकि यहाँ पर आप डीप पेनिट्रेट कर पा रहे हो टिश्यूज के अंदर। कोने का लास्ट लाइन क्या बोल रहे थे, फिगर की लास्ट लाइन, A dye whose fluorescence changes with the calcium concentration reveals active synapse on the dendritic spines that changes as a function of time. In this case, there is a day between each image. तो वही यहाँ पर क्या हुआ है ना, इन्होंने फ्लोरोफोर जो यूज किया है वो कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो फ्लोरेस करता है वो, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो फ्लोरेस नहीं करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब ब्लीचिंग जो होती है, जो बहुत टाइम तक आप लाइट अगर फ्लोरेस मतलब उस पर इमिट करते रहो, तो आपका मॉलिक्यूल जो है या फ्लोरेसेंस जो है वो खत्म हो जाता है, उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट कहा था जो मैंने। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां आपको दिनों दिनों तक इमेजिंग करनी, जैसे इन्होंने की एक दिन तक इमेजिंग, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक दिन में आपका फ्लोरेसेंस ही खत्म हो गया, सो इट इज नॉट गुड फॉर योर सिस्टम। बट ऐसे जहां पर आपकी लो एनर्जी सिस्टम को आप यूज कर रहे हो, तो ब्लीचिंग जो है वो बहुत डीले हो जाती है। ठीक है, तो वो एक सेकेंड, आप लोगों को आवाज आ रही है क्योंकि मेरा माइक्रोफोन बंद हो गया। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो वही जो आप मतलब जो ब्लीचिंग हो गई थी उस पार्ट को आपने जो है उस डिसएडवांटेज को जो है आपने ओवरकम कर दिया। ठीक है, सो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ हैविंग मल्टी फोटोन इमेजिंग। ठीक है कानिका, कोई डाउट है बीबी? फर्स्ट एंड थर्ड इमेजेस एक जैसे,
हाँ फर्स्ट एंड थर्ड इमेजेस एक से जैसे हैं, क्योंकि ये कुछ एक साइक्लिक इवेंट हो रहा है जिसमें कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है, कैल्शियम जो है वो वापस से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, जैसे उन्होंने बताया कि एक्टिव साइनेप्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और साइनेप्स तो हमें पता है कैल्शियम रिलीज होता है, वो सब कुछ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेज पर जहाँ पर इन्हें सिग्नल मिला वहां पर इन्होंने मतलब येलो सिग्नल मिला, जहां पर सिग्नल नहीं मिला वहां पर इन्हें रेड ही मिल रहा है, ठीक है। तो एक्टिव साइनस जो है वो आपको येलो दे रहा है, और जो मतलब वो सेम ही चीज की इमेजिंग, तो येलो जो है वो तभी आ रहा है जब आपका कैल्शियम रिलीज हो रहा है, यही लिखा है मैंने, एक लाइन ही पढ़ी है तो उसी में समझा रहा हूँ। हाँ वही वही लिखा है, सही। तो डेंड्राइटिक स्पाइंस जो है उसको रेड स्टेन किया इन्होंने, और वो येलो हो जाता है जब एक्टिव साइनेप्स होता है, मतलब जब कैल्शियम रिलीज होता है तब, ठीक है। तो जब नहीं है तब तो नहीं होगा। तो इनका फर्स्ट और थर्ड इमेज वही टाइम, अलग अलग टाइम पॉइंट है, टाइम पॉइंट इन्होंने नहीं लिखे, अलग 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 टाइम पॉइंट है, बट एक दिन तक इन्होंने एनालिसिस किया बता रहे। ओके बॉस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, एक ही इमेज है, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोटीन्स कैन बी फ्लोरोसेंटली टैग इन लिविंग सेल, तो ये बहुत ही मतलब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का एक एडवांटेज ये हो गया जो मैं आपको बता रहा था, कि आप साथ में क्लोनिंग कर सकते हैं, जीएफपी को आप अपने प्रोटीन के साथ ही क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो कुछ भी स्टडी करना है, आपका एक्टिन ट्यूबुलिन तो मैंने बहुत बार कह दिया, यहाँ पर आपको कोई और मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन जो है, मान के चलो कि आपका कोई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने वाला कोई प्रोटीन है वो आपको देखना है, तो आप उसको मतलब एक्सप्रेस होगा जीएफपी के साथ एक्सप्रेस होगा, ऐसा बना सकते हो, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ एक्सप्रेस होगा। तो ये होता है जीएफपी प्रोटीन, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर स्ट्रक्चर, दिस इज ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, बीटा शीट्स का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक क्लोरोफोर होता है, जो अंदर मतलब अमाइनो एसिड का सेटअप ऐसा होता है कि अंदर जो डॉट 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 है ना वो ऐसा अरेंज होता है कि वो फ्लोरेस कर सकता है, ठीक है। तो ये टिपिकल जो है मतलब अगर कोई रिकॉम्बिनेंट वे में फ्लोरोसेंस प्रोटीन बनाता है तो ऐसे ही बनाता है, जनरली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही। तो अगर आपको किसी को बनाना हो तो ये ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जीएफपी थोड़ा बड़ा होता है, टोटल इनमें 11 या 12 आई सपोज बीटा शीट्स होती है, बट इसे छोटा बनाओगे तो और अच्छी बात है, तो जनरली लोग उसको भी रिसर्च करते हैं, छोटा जीएफपी या छोटा स्मॉलर फ्लोरोसेंट प्रोटीन कैसे बनाना। तो आइडिया यही है कि बीटा शीट प्रोटीन होते हैं जो एक बैरल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अंदर अमाइनो एसिड जो ऐसे अरेंज होते हैं कि वहां पर वो फ्लोरेस कर सकते हैं, और फ्लोरेस करने के लिए हमें पता है कि ऐसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स वगैरह सब जो है वो स्ट्राइक करते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है और कुछ, ठीक है। तो जीएफपी को आप इजिली किसी भी आपके टारगेट प्रोटीन के साथ क्लोन कर सकते हो, जीएफपी को आप किसी भी सिस्टम में क्लोन कर सकते हो, चाहे वो यूकेरियोटिक सिस्टम हो, प्रोकेरियोटिक सिस्टम हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, जहां जहां आपको लाइक डिस्टर्बेंस दिख रही है सब जगह, मतलब वो एक बैक्टीरिया में भी काम करता है जीएफपी, वही का वही काम है यीस्ट में भी करता है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के एनिमल सेल के अंदर भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए जीएफपी का बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, आप किसी भी प्रोटीन की स्टडी जो है वो जीएफपी के साथ कर सकते हो, लोकलाइजेशन स्टडी और ये बहुत सारी चीजें जो अलग अलग स्टडी करते हो, उसमें एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो है जीन एक्सप्रेशन की स्टडी, ठीक है। आपको देखना है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को ग्रो किया है, और हर सेल में कितना एक्सप्रेशन जो है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का वो कैसा है, ठीक है। तो वो आप स्टडी कर सकते हो, आप एक स्पेसिफिक जीन के साथ जीएफपी को क्लोन कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में मतलब अगर आपने मतलब मान लो कि कोई एक हीट शॉक प्रोटीन है, एचएसपी है, तो आपने उसको अलग अलग कंडीशन में रखा है, कहीं पर आपने कोई ड्रग डाला है, कहीं पर आपने कोई टेम्परेचर चेंज किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, और सब में आपका एक्सप्रेशन चेक करना है, तो सिंपल ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन डालो, इमेज करो, इमेज को क्वांटिफाई करके आप पता कर सकते हो कितना जो है जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि आपको किसी कंपार्टमेंट की स्टडी करनी है, ठीक है, कि आपका प्रोटीन जो है वो किस कंपार्टमेंट में जा रहा है, कंपार्टमेंट बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है, गॉल्जी में जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो
पेप्टाइड लोकलाइजिंग सीक्वेंस होते हैं जो आपने पढ़ी होंगे, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंसेस, जो मतलब प्रोटीन को टारगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है। कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो उसमें एक सिग्नल सीक्वेंस होता है, सिग्नल सीक्वेंस या फिर हम न्यूक्लियर सीक्वेंस, सिग्नलिंग सीक्वेंस या ऐसे करते हैं, ऐसे कहते हैं उसे। तो वो सिग्नल सीक्वेंस जो होता है वो टारगेट करता है उसे कि उसे कहाँ जाना है, उसे मेम्ब्रेन पे जाना है, उसे गॉल्जी में जाना है, उसे ईआर में जाना है, या उसे कहाँ जाना है सेल के कंपार्टमेंट में। तो वो सीक्वेंस होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जीएफपी को उस सिग्नल के साथ क्लोन कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना जो जीएफपी है वो मेरा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्टेन कर, तो मैं वो सिग्नल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डाल सकता हूँ, मेरा जीएफपी सेल के अंदर बनेगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ना परमेबलाइज करना पड़ा, ना यू नो बाहर से कोई एक फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल नहीं डालना पड़ा, सेल के अंदर ही एक्सप्रेस होके खुद ही से खुद बन गया और खुद ही जो है स्टेन कर वैसे। तो वो हम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है वहां पर। प्लांट के अंदर करना है क्लोरोप्लास्ट में जाना चाहिए हमारा, या फिर किसी और वैक्यूल के अंदर ही जाना चाहिए हमारा प्रोटीन। तो वैसे करके आप देख सकते हो वैक्यूल को ही स्टेन कर दिया आपने, कैसे किया आपने, जीएफपी को ऐसे टैग दे दिया जो कि वैक्यूल के अंदर चला जाए, तो पूरा वैक्यूल ही स्टेन हो जाएगा। फिर अगर आपका प्रोटीन आ जा रहा हो तो आप उसको किसी और कलर से टैग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इमेज दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इन्होंने वही सेम साइनेप्स वगैरह उसी को स्टेन किया, न्यूरॉन्स वगैरह उन सबको, फ्रूट फ्लाई, यस फ्रूट फ्लाई के जो किसको न्यूरॉन्स को स्टेन किया है जीएफपी के साथ, तो आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स को यहाँ काउंट कर सकते हैं। सो दे एक्चुअली सॉ कि कितने न्यूरॉन्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली काउंट करोगे ना आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल 20 न्यूरॉन्स जो इस पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पर शायद बने हो। तो फ्रूट फ्लाई के एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पर इतने न्यूरॉन बने, फिर आपने कुछ और देखा, फिर वहां पर आपको कुछ और दिखाया, ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल था यहाँ पर इन्होंने, जैसे जो मैंने पेप्टाइड लोकलाइजेशन का बताया, इन्होंने क्या किया, क्लोरोफिल को स्टेन कर दिया रेड से, और फिर देखा कि कोई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ माइग्रेट करता है, तो मतलब दूसरे माइटोकॉन्ड्रियल जो उसको है उसको इन्होंने जीएफपी से पैक किया, और जीएफपी जो है वो ग्रीन ग्रीन वाला है जो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के आसपास आसपास अरेंज होता है, ठीक। तो वैसे करके ये जो इमेज है ये टोबैको सेल की इमेज है, टोबैको प्लांट मतलब वहां से मैंने स्टडी किया। तो आप स्टडी कर सकते हो कि आपका प्रोटीन कहाँ लोकलाइज हो रहा है, आपका ऑर्गेनेल कहाँ लोकलाइज हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक ये स्टडी किया हुआ है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट पे इन्होंने अगेन टोबैको प्लांट में ही कुछ क्या किया यार, न्यूक्लियस जो है वो कैसे माइग्रेट होता है सेल के अंदर। सो इन्होंने जीएफपी को फ्यूज किया स्प्लाइसोसोम प्रोटीन से, जो कि एक न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक कैजल बॉडीज होता है कुछ, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट CAGL कैजल बॉडीज करके कुछ है, उसके पास जो है वहां लोकलाइज होता है, एंड उसकी पोजीशनिंग जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर वैकेंसी। सो वो प्रोटीन को स्प्लाइसोसोम प्रोटीन के साथ इन्होंने फ्यूज, मतलब जीएफपी को स्प्लाइसोसोम प्रोटीन के साथ फ्यूज किया, और फिर उसकी लोकेशन जो है न्यूक्लियस के अंदर निकाला, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट पे, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। और मतलब आपसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछे जैसे कि क्वेश्चन आया, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हो, लाइव सेल में कर सकते हो, डेड सेल में कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट पे कर सकते हो, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन डायनेमिक्स के बारे में, और ये वो पार्ट है जो हम मतलब मैं कल भी आपको बता रहा था, मुझे वर्ड ही याद नहीं आ रहा था कि उस टेक्निक को कुछ कहते हैं, कुछ टेक्निक को कुछ कहते हैं, जब मैं आपको क्वेंचिंग वगैरह वो सब समझा रहा था। तो किसी को पता है, किसी को याद आया वो, मतलब मैं तो लेने वाला हूँ अभी एक क्लास में, मतलब पढ़ाने वाला हूँ, बट किसी को पता है वो क्या है जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, ये इसके पहले तक का सबको समझ में आया,
फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के एप्लीकेशन वगैरह, मतलब अब हम एक दो टेक्निक देखेंगे जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की है, बट आपको माइक्रोस्कोपी सब कुछ समझ में आ रहा है ना सबको? एप्लीकेशन वाइज ये वो, आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप दे सकते हो, और ऐसे भी कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव तो कैसे आएंगे वो मुझे पता नहीं, बट हाँ आई होप आप लोग आंसर दे पाए। तो अभी हम जो टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, फ्रेट। फ्रेट पता है किसी को? इसको एक और नाम देते हैं क्या, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, इसके अलावा कोई नाम पता है? ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, सिंपल है, कोई साइंटिस्ट का नाम तो और कुछ नहीं। और एक और कहते हैं फ्रेट, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर होता ये है जो मैंने आपको लिख के बताया है, और मैं लिख के मतलब मैं पढ़ के बताता हूँ, बताना किसी को समझ में आया है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट आर ईच लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरोक्रोम, दो हमारे प्रोटीन है दोनों को हमने अलग अलग फ्लोरोक्रोम से स्टेन कर दिया, एंड दे आर चोजन इन अ वे दैट द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ वन फ्लोरोक्रोम द डोनर, एक इमिशन स्पेक्ट्रम जो है एक मॉलिक्यूल का जिसको हम डोनर कह रहे हैं, ओवरलैप्स विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अदर द एक्सेप्टर, पहला मॉलिक्यूल हुआ डोनर, दूसरा मॉलिक्यूल हुआ एक्सेप्टर, जो डोनर मॉलिक्यूल का इमिशन स्पेक्ट्रा है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से ओवरलैप करता है, ठीक है। इफ टू प्रोटीन्स बाइंड सो एज टू ब्रिंग देयर फ्लोरोक्रोम इनटू वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अगर दो प्रोटीन बाइंड करते हैं या दोनों आसपास आते हैं, बहुत बहुत पास आते हैं, कितना पास, 5 नैनोमीटर से क्लोजर, अगर वो दोनों प्रोटीन पास आते हैं तब एक फ्लोरोक्रोम वन फ्लोरोक्रोम वन एक्साइटेड कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द अब्सॉर्ब लाइट डायरेक्टली टू द अदर, तो क्या होगा कि हम एक फ्लोरोक्रोम को अगर एक्साइट कर तो वही की वही एनर्जी दूसरे फ्लोरोक्रोम को जो वहां से एमिट हुई वो दूसरा एब्सॉर्ब कर लेगा, और उससे जो अब लाइट एमिट होगी वो फाइनली सेकेंड जो एक्सेप्टर फ्लोरोक्रोम है उससे लाइट एमिट होगी, ठीक है। इसलिए जब कॉम्प्लेक्स इज इल्यूमिनेटेड एट द एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट फ्लोरोक्रोम, जब हम इस कॉम्प्लेक्स को पहले फ्लोरोक्रोम के एक्साइटेशन वेवलेंथ से एक्साइट करेंगे, द फ्लोरोसेंस लाइट प्रोड्यूस्ड एट द इमिशन वेवलेंथ ऑफ द सेकंड, हमें सेकंड फ्लोरोक्रोम की इमिटेड लाइट मिलेगी। समझ में आया किसी को? बोलो 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 बोलो, थोड़ा थोड़ा ही लिख दो यार, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फ्रेट पढ़ा तो होगा ना आप लोगों ने, ऐसे तो हो नहीं सकते कि फ्रेट नहीं पढ़ा। थायलेकोइड में होता है, थायलेकोइड में क्या होता है मतलब मेरे को नहीं पता, मैं तो भूल ही गया थायलेकोइड किसको बोलते हैं। थायलेकोइड क्या होता था, नाम सुना सुना लग रहा है, आई डोंट नो, एक तो तुम यार प्लांट से रिलेटेड है कुछ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता था कुछ थायलेकोइड शायद, इस वाले दायरे में अंदर पता नहीं कुछ तो था, लाइट रिएक्शन में पता नहीं यार, मुझे नहीं पता ये चीज, ठीक है सॉरी। ठीक है मैं मेरा बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास दो मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेसिस में एसेसरी मॉलिक्यूल्स लाइट अब्सॉर्ब करके रेडिएशन सेंटर पर, नहीं यहाँ वहां एनर्जी देते हैं, यहाँ हम लाइट लाइट की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी पे जा ही नहीं रहे, लाइट 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 लाइट, हमारा लाइट अभी लाइट फॉर्म में ही है, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब किसी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी लाइट फॉर्म का लाइट फॉर्म में ही चल रहा है, बट हाँ सेम कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, ठीक है।
वहां पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप बोल सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो दूसरे के समथिंग समथिंग कुछ तो मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जांपल जो बता रहा हूँ, आपके पास दो प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स है प्रोटीन वाई। ठीक है, आपका प्रोटीन एक्स जो है वो वायलेट लाइट से एक्साइट होता है और ब्लू लाइट इमिट करता है। ठीक है, उसके पास ब्लू फ्लोरोसेंट प्रोटीन लगा है जिससे कि वायलेट लाइट से एक्साइटेशन होता है, ब्लू लाइट से इमिशन होता है। वही आपके पास दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम प्रोटीन वाई है, जो कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है, जिसमें ब्लू लाइट से एक्साइटेशन होता है और ग्रीन लाइट इमिट करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वायलेट लाइट से मैंने इसको एक्साइट किया, इसने ब्लू लाइट इमिट की, ब्लू लाइट इसने जो इमिट की वो ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तभी एब्जॉर्ब करेगा जब इनका डिस्टेंस जो है वो 5 नैनोमीटर के पास होगा, क्लोजर देन 5 नैनोमीटर तभी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ब्लू जब वायलेट लाइट से एक्साइट करूंगा ये ब्लू लाइट इमिट करेगा, ये ब्लू लाइट जो हमारा ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन सिग्नल इमिट करेगा। मतलब अगर ये दोनों पास हुए 5 नैनोमीटर डिस्टेंस से पास हुए, तो अगर मैं मेरे सिस्टम को वायलेट लाइट से एक्साइट करता हूं तो मुझे ग्रीन लाइट इमिशन में मिलेगी, बट अगर ये सिस्टम दूर हुए तो अगर मैं वायलेट लाइट से एक्साइट करता हूं तो मुझे ब्लू लाइट इमिटेड मिलेगी। इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इसका एडवांटेज हुआ कि मैं स्टडी कर पाऊंगा कि ये दोनों प्रोटीन एक्चुअली फिजिकली कॉन्टेक्ट में आते हैं या नहीं आते, प्रॉक्सिमिटी में आते हैं या नहीं आते, कितने फिजिकल कॉन्टेक्ट में, एटलीस्ट 5 नैनोमीटर के कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा स्टडी हो सकती है, इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारा सिग्नलिंग जो है वो कैसे काम कर रहा है, कोई दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो एक बार फिगर के तौर में दोबारा देख लो, अगर प्रोटीन प्रोटीन में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, अगर ये 5 नैनोमीटर से दूर है तो मैं वायलेट लाइट डालूंगा तो मुझे ब्लू लाइट मिलेगी, बट अगर ये दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैं वायलेट लाइट डालूंगा, ये ब्लू इमिट तो करेगा बट वो ब्लू लाइट जो है वो ग्रीन से एब्जॉर्ब हो जाएगी और ग्रीन लाइट इमिट होगी। ठीक है, सबको समझ में आया फ्लैश का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर वो रेजोनेंस होना जरूरी है, रेजोनेंस होना जरूरी है, मतलब इन दोनों की एनर्जी मैच करना जरूरी है, वो मैच तभी करेगी जब दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, एटलीस्ट 5 नैनोमीटर। ठीक है, एंड 5 नैनोमीटर इज वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, इवन एट मॉलिक्यूलर लेवल इससे मैं बहुत स्टडी कर सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, नहीं क्वेंचिंग नहीं है, ये क्वेंचिंग नहीं है, बट मैं आपको वहां उस टाइम बता रहा था क्वेंचिंग नहीं है, ये क्वेंचिंग का कॉन्सेप्ट यही है। क्वेंचिंग में क्या होता है ना कि इसकी जो इमिटेड लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये, फिर ये इमिट नहीं करता, मतलब ऐसा, तो ये क्वेंच हो जाता है, ऑल्दो ये सिग्नल जो है फ्लोरेस कर रहा है बट कोई क्वेंचर आके उसको इमिट एब्जॉर्प्शन को है वो रोक लेता है, तो उसे क्वेंचिंग कहते हैं। वो भी एक टेक्निक होती है क्वेंचिंग की, जिसका नाम मैं भूल गया, वो होती है फ्लोरोसेंस रिकवरी, नहीं वो तो दूसरी है यार, क्वेंचिंग वाली भी एक टेक्निक होती है बट जिसमें आप है ना एक्चुअली मतलब ये मॉलिक्यूल आप क्वेंचर डाल देते हो और आपने जैसे वायलेट लाइट डाली तो ब्लू लाइट इमिट हो रही है, मतलब कि क्वेंचर पास नहीं है, बट अगर ब्लू लाइट इमिट नहीं हो रही, कुछ भी इमिशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि आपका क्वेंचर पास है। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडी कर सकते हो आप, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि जैसे आपके सिग्नलिंग के अंदर या आपका दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी उसमें, तो वो दो प्रोटीन पास आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरोसेंस में आप वायलेट लाइट डाल रहे हैं बट ग्रीन इमिट हो रही है। आपका प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, एन टर्म और सी टर्म पास आ रहा है, एन टर्म पर मैंने डाल दिया वायलेट वाला प्रोटीन मतलब ब्लू फ्लोरोसेंट प्रोटीन और सी टर्म पर डाल दिया मैंने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, मतलब कि अगर प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में बन रहा है तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अगर प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में नहीं बन रहा है तो मुझे कोई और सिग्नल। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत 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 मल्टीपल 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 एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हो, ग्राफ के तौर पर आपको बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम डोनर का और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम एक्सेप्टर का, आई डोंट नो एग्जैक्टर क्यों लिखा है बट सॉरी स्पेलिंग तो मिस्टेक की होगी किसी ने, फोल्डेड वाला वापस समझाएं। ठीक है, फोल्डेड वाले में क्या हुआ, आपका प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन फोल्ड हो रहा है तो आपके दो अलग अलग चेन जो है वो शायद पास आ गई, ठीक
है, मैंने दे दिया कि एंड टर्म और सी टर्म, एंड टर्म और सी टर्म शायद फोल्डिंग के दौरान पास आते हैं, ठीक है, ऐसा एक अजम्पशन मान के चलो। तो मैंने क्या किया, एंड टर्म के ऊपर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन वाला पार्ट क्लोन कर दिया, सी टर्म के वहां पर ब्लू फ्लोरोसेंट प्रोटीन, सॉरी मतलब एक तरफ ब्लू कर दिया एक तरफ ग्रीन कर दिया, समझ, ठीक है। अब अगर ये प्रोटीन प्रॉपरली फोल्डेड होगा तो दे विल बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे तो फ्रेट होगा। ये क्या होता है बीआईएफसी, बीआईएफसी क्या होता है ईशा, आई डोंट नो, मतलब मेरा सिर्फ बताने का मतलब यही है कि एक एक एप्लीकेशन जो है वो आप समझो, फ्रेट की एप्लीकेशन क्या होती है। एक तो आप सेल के अंदर आप देख रहे हो कि दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दूसरा अच्छा आधा आधा जीएफपी रखते हैं तो नहीं, बट यहाँ पर अलग अलग मतलब आधा तो जीएफपी रखते होंगे तो उनकी तो एक्साइटेशन जीएफपी से हो रही है, इमिशन भी जीएफपी से हो रही है, यहाँ पर एक्साइटेशन जो है वो अलग वेवलेंथ से हो रही है। यहाँ पर मैं जीएफपी वाला एक्साइटेशन यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं ब्लू लाइट को एक्साइट करने के लिए यूज नहीं कर रहा, जब मैं इमेजिंग करूंगा माइक्रोस्कोप में तो मैं वायलेट लाइट डालूंगा और फिर मेरा रीड आउट देखूंगा कि वो ब्लू आ रहा है या फिर ग्रीन आ रहा है, मैं इस ब्लू लाइट को एक्साइटेशन की तरह यूज करूंगा ही नहीं, ऐसा That might be the difference, जो आप कह रहे हो उससे, ठीक है। So this is FRET, और FRET में आप मतलब एक एप्लीकेशन में और बता सकता हूँ FRET में, जैसे जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, नहीं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन जो है वो शायद प्रमोटर पे आके बाइंड होते हैं, तो उसकी स्टडी भी की जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोटर, मतलब एक एक स्पेसिफिक प्रोटीन पर आप एक फ्लोरोसेंट डाल दो और दूसरे दूसरे प्रोटीन पे दूसरा फ्लोरोसेंट डाल के फिर स्टडी कर सकते हैं, तो वहां पर फ्रेट की स्टडी की जा सकती है कि वो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और राइबोसोमल सब यूनिट्स की स्टडी करते हैं जैसे लोग, कि स्मॉलर सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट जो है लार्जर सब यूनिट वो इंटरेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, आपको ड्रग डाल दो उसका इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसे करते बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं फ्रेट के बेसिस पर, ठीक है। तो फ्रेंड समझ में आया, एक आज की लास्ट टेक्निक है जिसको कहते हैं फोटो एक्टिवेशन, फिर हम कल पढ़ेंगे, फ्रेंड समझ में आया सबको, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको फोटो एक्टिवेशन, अभी तक हम क्या कह रहे थे, अभी तक हम कह रहे थे कि फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें आपने एक एक्साइटेशन वेवलेंथ डाली तो आपको कुछ इमिशन वेवलेंथ मिलती है जो कि लोअर एनर्जी की होती है, हायर वेवलेंथ की होती है, सब कुछ जो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहां पर मैंने ऐसा कर लिया कि मेरा मॉलिक्यूल हमेशा फ्लोरेस नहीं करे, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका फ्लोरेसेंस जो है फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो फ्रेट में या फ्लोरेसेंस में से कहीं पर भी आपका मॉलिक्यूल रेडी है, जब जब जैसे उसके पास लाइट आएगी वो फ्लोरेस करना स्टार्ट कर देगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये कंट्रोल देना, मैं जब चाहूँ तभी फ्लोरेस करे, जब मैं नहीं चाहूँ तब फ्लोरेस नहीं करे, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फोटो एक्टिवेशन, मैं मॉलिक्यूल ऐसा बनाऊंगा कि वो तभी फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल बनेगा जब मैं कोई लाइट उस पर इमिट करूंगा, ठीक है, इसके पहले वो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है, फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल मेरा तभी बनेगा जब मैं कोई उस पर लाइट डालूंगा, इसके पहले वो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, मतलब उसके पास फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। तो आई एक्चुअली इनिशिएट द एक्टिवेशन ऑफ, हाँ यहाँ हमेशा लाइट डालते हैं बट यहाँ लाइट डालते से आपका मतलब अगर मैंने मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये मॉलिक्यूल फ्लोरोसेंस ही है, अगर मैंने इसको हवा में लेके घूम रहा हूँ तो लाइट आ रही है तो फ्लोरेस कर रहा है,
कुछ नहीं हो रहा मतलब। बट अगर मैं फोटो एक्टिवेशन की बात करूं तो फोटो एक्टिवेशन का मतलब ये है कि मैं एक्टिवेट करूंगा उसे फ्लोरेस करने के लिए, मतलब मेरी जो एक्टिवेट करने की वेवलेंथ होगी वो भी स्पेसिफिक हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर मेरा सैंपल पड़ा है तो भी वो फ्लोरेस करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की डिजाइन ऐसे करते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल देते हैं केज्ड मॉलिक्यूल। केज्ड मॉलिक्यूल मतलब कि उसको मॉलिक्यूल को हमने ऐसा बनाया, केज कर दिया, उसके आसपास ऐसा कर दिया कि अब जो है उस पर लाइट नहीं पहुंच सकती उसका, ठीक है। तो इन जनरल वो मॉलिक्यूल जो है वो हम जो मतलब अब जब मतलब ये हो गया कि अब मैं जब कोई लाइट डालूंगा तो ये केज टूटेगी, और ये केज टूटेगी तब मेरा मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरेस करेगा, ठीक है। तो इससे मैं प्रिवेंट करता हूं कि जब मैं तो एक चीज ये कर सकता हूं कि किसी किसी पर्टिकुलर स्टेज पर ही मुझे जाकर वो मॉलिक्यूल तोड़ना है और वो फ्लोरेस करे, ये चाहता हूं मैं, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा मॉलिक्यूल जो है वो मैं तभी यू नो फ्लोरेस कर रहा हूं जब मैं इसकी इमेजिंग करने वाला हूं, वैसा कुछ ताकि ब्लीचिंग डिले हो जाए। अरे नहीं नहीं मतलब देखो, अरे कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा मतलब यार, फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल तो जैसे काम करता है वो कर ही रहा है, ठीक है। पर मैंने क्या कर दिया, मैंने सेल के अंदर उसको बांध दिया, उसको बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे बंद कर दिया कि वो अब वो लाइट भी डालोगे आप उसकी तो भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है। मैंने इसको कैच कर दिया, ये केजिंग हो गई, मतलब पिंजरे में डाल दिया। अब मैं इस पर लाइट डालूंगा तो वो लाइट तो पहुंच ही नहीं रही है, वो भले ही फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल है बट उस पर वो फ्लोरेस नहीं करेगा वो, मतलब मैं उस पर उसकी एक्साइटेशन वाली लाइट पर डाल दू तो भी नहीं करेगा। पर मैंने क्या किया, मेरे पास एक ऐसी लाइट है जो मैं डालूंगा तो ये मेरा केज जो है वो टूट जाएगा, वो केज टूट गया तो अब ये बाहर आएगा, ये केज तोड़ दिया मैं, समझ रहे हो आप। तो ये फोटो एक्टिवेशन, मैंने शुरू में मेरे मॉलिक्यूल को फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल को ही छुपा के रखा है, ठीक है, केज करके रखा है, पिंजरे में रखा है ऐसा, ठीक है। तो वो केजिंग है, वही मैं समझा रहा हूँ आपको, फोटो केजिंग, हाँ, जो केज्ड मॉलिक्यूल होता है फोटो केजिंग। तो इससे एडवांटेज क्या होता है, इससे एडवांटेज क्या होता है कि मान लो मेरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बट मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको एक्टिवेट कराना है तो वो कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है कि इनका फोटो एक्टिवेशन है, यहाँ पर जो है फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, माइटोसिस स्टार्ट हो उसके बाद ही मैं उसको फ्लोरेस करने के लिए स्टार्ट करूँ, ऐसा। सो आई कैन कंट्रोल व्हेन इट फ्लोरेसेस, ठीक है, ऐसा। तो मैं केस तभी तोड़ूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड लीव इट, व्हेन आई शुड अलाउ इट टू फ्लोरेस, ठीक है। तो ये उसका मतलब एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोटो एक्टिवेशन या केज मॉलिक्यूल। तो मैंने मॉलिक्यूल डाला हुआ है जो यहाँ पर है बट ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा, फोटो एक्टिवेशन नहीं करूंगा। फोटो एक्टिवेशन मतलब कि अपना उसको केमिकली अलाउ करूंगा, केमिकली उसको मतलब यू नो जो मैं बताया कि केमिकल से बाइंड हो गया तो आपको केमिकल तोड़ दूंगा ऐसा, तो फिर वो लाइट जो है वो, हाँ, केज ब्रेक जो है वो मैं स्पेसिफिक वेवलेंथ से करूंगा। ये जो लाइट आ रही है ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की आ रही है जिससे कि केज ब्रेक हुआ। अब केज ब्रेक हुआ है तो फिर अब ये फ्लोरेस जो करता है वो तो करते ही रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट टेक्निक। कुछ पूछना है आज के इसमें तो पूछो, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेंगे और एक टेक्निक लूंगा मैं, फ्रैप होता है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो पहले ब्लीचिंग हो जाती है फिर हम फ्लोरोसेंस रिकवरी है उसकी स्टडी करते हैं।
लूप रैप है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। एक है एक क्वेरिन करके एक ल्यूमिनेसेंट प्रोटीन है एक क्वेरिन, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मैं बताऊंगा सिंगल मॉलिक्यूल की इमेजिंग कैसे करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, तो वो फ्लोरोसेंस में भी हो जाता है। फ्रैप सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिटेक्शन वाला, सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिटेक्ट कर सकते हैं उसको, आई डोंट नो मतलब कर सकते होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक तो हाँ मतलब क्या, हाँ हाँ मतलब उसमें क्या होता है ना कि कैल्शियम रिलीज, हाँ हाँ कर सकते हैं कैल्शियम रिलीज के साथ, हाँ सही सही बोलो दिमाग, यस तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट या उससे हाँ डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर हाँ सिंगल मॉलिक्यूल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करके आप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी करते हो, TIR करके, TIR आपको पता होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरे नेक्स्ट क्लास के पहले पढ़ लेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो। और बस फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। सक्सेस रेट क्या है वो GFP और NLS डाल के जो NLS मतलब न्यूक्लियर यूटिलाइजिंग सीक्वेंस क्या कह रहे हो आप, वही कह रहे हो क्या? सर हम जब आपने जब एक्सप्लेन किया था फ्लोरोसेंट का कि हम कोई प्रोटीन एक्सप्रेशन देख सकते हैं, हाँ? तो उसके लिए पहले टैगिंग करना पड़ेगा, हाँ? तो मतलब के लिए या किसी भी मतलब ऑर्गेनेल के लिए, तो टैगिंग करने के लिए पहले क्लोनिंग करना पड़ेगा, तो उसका सक्सेस रेट क्या होता है क्लोनिंग का? नहीं क्लोनिंग, क्लोनिंग तो आजकल बहुत इजी है, मैं वही बता रहा हूँ, आजकल आप कुछ भी क्लोनिंग करना ना, क्लोनिंग इज वेरी इजी। प्रैक्टिकली लोग बहुत हवा बनाते हैं, मैं आपको बताऊं जो जो बंदे जो एक्चुअली लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उनसे आप बात करोगे तो जो फर्स्ट ईयर